शिंचन कैसा लगा सरप्राइज अरे मॉम डैड आप कैसे गए अरे शिंचन बेटा कैसे हो तुम अरे शिंचन कैसे हो तुम कैसा लगा सरप्राइज अरे मुझे तो बहुत ही मजा आ गया चलो चलो हम घर पे चलते हैं हाँ चलो चलो घर पर चलकर पार्टी करेंगे अरे फ्रैंकलिन रुक तो जाओ सामान तो उठा लो अरे इतना सारा सामान कौन लेकर आता है चलो ठीक है मैं उठा लेता हूँ अरे ये नहीं ये ट्रक क्या अरे हम तुम्हारे लिए ये ट्रक लेकर आए है देखो क्या आप जापान से यहाँ पर ट्रक लेकर आए हो ऐसा क्यों अरे फ्रैंकलिन इस ट्रक में सिंह और तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है क्या सरप्राइज अरे कहचैन को मैं सरप्राइज देने आया था उसके मॉम डैड को जापान से मैंने बुलाया था ताकि सिंचैन उनसे मिल सके पर अभी फिलहाल तो मुझे यहाँ पर सरप्राइज मिलने वाला है देखते हैं ये ट्रक में क्या है खुल जा जाम अरे मॉम अरे डैड डेड ठीक है क्यों चौंक गए ना हम तुम्हारे लिए इतना सारा पैसा और एक चैलेंज लेकर आए क्या चैलेंज पहले कह कौन सा चैलेंज बेटा तुम्हारे डैड और मैंने मिलकर सोचा हम शिनचैन को इतने टाइम बाद मिल रहे हैं तो क्यों ना इसको एक चैलेंज दिया जाए इसलिए हम तुम्हारे लिए लेकर आए टू हंड्रेड मिलियन डॉलर क्या टू मिलियन डॉलर्स अरे पर चैलेंज क्या है बच्चे चैलेंज ये है कि तुम्हें इन टू हंड्रेड मिलियन डॉलर्स को ट्वेंटी मिनट्स के अंदर उड़ाना पड़ेगा क्या ट्वेंटी मिनट्स में हाँ बच्चे अगर तुम टू हंड्रेड मिलियन डॉलर्स को ट्वेंटी मिनट्स में नहीं उड़ा पाए तो मैं सिंह को वापस से जापान ले जाऊंगा उसके घर पर क्या सिंह को अरे नहीं ऐसा नहीं हो सकता ऐसा नहीं हो सकता सिंह जापान नहीं जा सकता सिंज मेरे साथ ही रहेगा बच्चे अगर तो चैन को अपने साथ रखना है तो तुम्हें ये सारा का सारा पैसा खर्च करना पड़ेगा को भी स्विफ्ट

टाइम बहुत कम है हमें हम ये सारा का सारा पैसा खर्च करना होगा चलो चलो बच्चे हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे हाँ।

अरे क्या हो गया अरे जल्दी उतरो जल्दी उतरो अरे ऐसा क्या हो गया सिंह गिर तो नहीं गया अरे मैं तो इधर ही हूँ अरे तो क्या हो गया अरे मुझे पानी पूरी खानी है ये देखो पानी पूरी मिल रही है पर। क्या पानी पूरी पानी पूरी पानी पूरी जापान में तो पानी पूरी मिलती नहीं है पर पर मिल रही है हाँ मैं भी खाऊंगा पानी पूरी अच्छा ठीक है जल्दी खाओ हमारे पास टाइम बहुत ही ज्यादा कम है अरे भैया मुझे तीखी पानी पूरी दे दो और मुझे मीठी वाली अरे मुझे तो खट्टी वाली देना मुझे कुछ नहीं खाना मुझे यहां पर प्लान बनाना पड़ेगा कि यहां पर

पास इनको ये पेमेंट करने ये है पूरे के पूरे डेन मिलियन डॉलर

डॉलर बचे हमें इनको भी जल्दी से जल्दी खर्च करना पड़ेगा और सर, पर टाइम तो बहुत ही ज्यादा फास्ट जा रहा है अगर आप चाहे तो ये टाइम थोड़ा धीरे हो जाए ये धीरे धीरे खत्म हो तो जल्दी जल्दी कमेंट कर दो स्लो द टाइम टाइम ताकि मुझे और भी ज्यादा मिल जाए ये सारा का सारा पैसा खर्च करने का वरना शिनचैन तो पक्का जापान वापस जाने वाला है तो कैसर अभी आप देख सकते हो हम ये खतरनाक से ट्रक को लेकर आ चुके हैं इस बढ़िया से शोरूम में और यहाँ पर हम खरीदेंगे सी कार और फ्रैंकलिन तुम्हारे पास टाइम बहुत कम बचा बचाए अरे मैं जल्दी करो बहुत कम टाइम है सिं मुझे पता है अभी भी वन मिलियन डॉलर्स खर्च करना बाकी है हेलो सर बताइए बताइए आपको कौन सी गाड़ी चाहिए मुझे मुझे यहाँ पर कौन सी गाड़ी चाहिए डिसाइड करना पड़ेगा ये वाली लू या फिर ये येल्लो वाली अच्छी लगेगी या फिर ये मुझे तो समझ नहीं आ रहा अरे मेरी बात सुनो के की और डेड और शिव तुम भी एक एक गाड़ी चूज कर लो सब के सब यहाँ ऐसी नई नई गाड़ी खरीदने वाले एक्शन कैमिन वाली गाड़ी चाहिए अंकल जिसको जो गाड़ी चाहिए वो दे दो और मैं चूज करने वाला हूँ ये खतरनाक सी येलो वाली सुपर कार ये मुझे बहुत ही बढ़िया लग रही है अरे मुझे तो ये वाली गाड़ी अच्छी लग रही है मैं ये वाली गाड़ी खरीदूंगा अरे मुझे तो ये पिंक वाली गाड़ी अच्छी लग रही है मैं तो यही खरीदूंगी अरे ये तो बहुत ही सुपर कार है मैं तो खरीदूंगा भैया मैंने भी ले ली आ जाओ आ जाओ सब आ जाओ तो गाइस सर अभी आप देख सकते हो शिन चैन के डैड ने यहाँ पर ये बढ़िया सी विंटेज कार खरीद ली है शिन चैन की की मॉम ने ये पिंक कलर सुपर कार और शिन चैन ने ये बढ़िया फरारी खरीद ली है और मैंने भी एक बहुत ही खतरनाक सुपर कार खरीद ली है अरे सर आपने सारी गाड़िया तो ले ली पैसे तो दो इसके अरे हाँ, पैसे कितने हुए सर आपकी जो गाड़ी है वो है ट्वेंटी मिलियन की और इन सर की जो गाड़ी है वो है टेन मिलियन की और वो जो दीदी की गाड़ी है वो है ट्वेंटी मिलियन की और वो जो पीछे वाले छोटे सर है ना उनकी गाड़ी है ट्वेंटी मिलियन की अरे मुझे ये सब मत बताओ टोटल कितना हुआ ओके सर एटी मिलियन डॉलर एटी मिलियन अच्छा ठीक है फटाफट फड़ से इनको सारा पैसा दे दे खुल जा और गाइस सर आप देख सकते हो एटी मिलियन डॉलर की पेमेंट यहाँ पर हो चुकी है मैंने सारी की सारी गाड़ियों को पेमेंट कर दिया है और गाइस सर हमारा बैलेंस यहाँ पर बन चुका है तो गाइस अब हमारे पास यहाँ पर बच चुके हैं वन हंड्रेड टेन मिलियन डॉलर अरे चलो चलो फ्रैंकलिन एक राइड पर चलते हैं हाँ चलो चलो अच्छा ठीक है चलो अभी या, मेरे पास टाइम यहाँ पर कम है पर एक राइड तो कर ही सकते हैं अपनी नई नई गाड़ियों के अंदर तो गाइस आप देख सकते हो बाबा हम चारों के चारों लोग और कार के अंदर रहे, तो मेरे पास टाइम यहाँ पर कम है पर मुझे स्पेंड करने वन हंड्रेड टेन मिलियन डॉलर ये कहा पर करे मुझे तो समझ नहीं आ रहा क्या हम एक नया घर खरीदे या फिर एक नई बिल्डिंग और मुझे तो एक और भी खरीदनी है और एक भी क्या क्या खरीदना है टाइम बहुत कम है मुझे जल्दी से जल्दी कुछ करना पड़ेगा खतरनाक वही आज तक लॉस में ऐसा नहीं हुआ होगा की एक बैंक में हम चोरी नहीं करने जाने वाले हम इधर डोनेट करने जाने वाले तो जल्दी जल्दी सारा का सारा पैसा रेडी कर लो हम सबसे पहले इनको मारेंगे चुप चाप सब

डॉलर्स रख दो

पचास मिलियन यहाँ पर बैंक में डोनेट कर दी वो भी एकदम नए तरीके से तो अब अब मेरे पास बचे हैं मिलियन मिलियन और इन से हम खरीदने वाले खतरनाक नया नया घर अरे फ्रैंकलिन हमारे पीछे पुलिस पड़ चुकी है जल्दी भागो मेरे पुलिस के पीछे अब एक ये पुलिस हमारे लिए क्यों आ रहे हैं मैंने तो यहाँ पर पैसा डोनेट किया है जल्दी जल्दी बैठो हमारे पास टाइम बहुत कम है मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा और सामने से पुलिस आ रही है पीछे से पुलिस है। मुझे पता नहीं ये हम लोगों को क्यों पकड़ना चाहते हैं मैंने तो यहाँ पर इस बैंक में पैसा डोनेट किया है फिर भी हम लोग को मारना चाहते हैं ये तो चीटिंग है मुझे यहां से जल्दी से निकलना पड़ेगा

खेलने के लिए और ये कोई नॉर्मल फुटबॉल नहीं होने वाला ये बॉल कितने बड़ी फुटबॉल सारी सारी और सर, हम चारो चारो डालना है और गाइजर ये फुटबॉल नॉर्मली नहीं खेल सकते मेरा हमेशा से सपना था इस फुटबॉल को खेलने का और इस फुटबॉल वाले गेम को पांच मिनट खेलने के लिए वन मिलियन डॉलर लगते हैं तो गाइजर सर वन मिलियन डॉलर हमने यहाँ पर दे दिए। और डेड जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ हम लोग खेलने वाले हैं फुटबॉल अरे मैंने तो बचपन में बहुत फुटबॉल खेला है मैं ही जीतूंगा क्या आप सब लोग तैयार है मैच के लिए हाँ हम तैयार है अरे मैं भी तैयार हूँ मैं भी तैयार हूँ चलो मैच को शुरू करते हैं चलो फटाफट चलते हैं इस बॉल को तो मैं अपने गोल में डाल कर रहूंगा और ये जा रही है जा रही है वेकी ऐसे कैसे डाल लो मैं आपको गोल नहीं कर दूंगा हट जाओ अबे सिंह हम दोनों तो एक ही टीम में मैं तो भूल गया था अरे मुझे नहीं पता था अरे सिंह बेटा बहुत बहुत शुक्रिया अभी देखो मैं गोल करके दिखाता हूँ हाँ मैं गोल नहीं होने दे सकता निकल यहाँ से और कैसे इस बॉल को हमने ऐसा हटा दिया है आप देख सकते हो अभी सिंह के डैड यहाँ पर गोल करने वाले थे पर मैंने उनको रोक लिया अब तो मैं ही गोल करूंगा हट जाओ हट जाओ हट जाओ हट जाओ हट जाओ तो मैं ये और ने क्या एक खतरनाक गोल बचा लिया बहुत बढ़िया ही बढ़िया पास कर दिया और ये गोल। अरे ये हो सकता है, कैसे कर दिया ये तो तुम्हारा तो कैसे हो गया अगला गोल तो हमारा ही होने वाला है हाँ हाँ देखते

गोल रोक दिया मेरे अलावा अब यहाँ पर कोई गोल नहीं करने वाला हट जाओ हट जाओ अरे ये ये क्या क्या के तो सीधा गोल गोल की तरफ लेकर जा रहे ओ, ये क्या? हा 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 मैंने तो बोला ही था मैं ही जीतूंगा अरे हम गेम तो खेल रहे पर फ्रेंकलिन तुम्हारे पास तो बहुत कम टाइम बचा है क्या तुम्हे पैसे नहीं खर्च करने अरे मैं तो बोल ही गया था अरे इस गेम को छोड़ो हमें अपना सारा का सारा पैसा खर्च करना है तो कैसे मैं तो बोल ही गया था क्या हमारे पास टाइम

और हमारा खतरनाक साइलेंडर है यहाँ पर कहा लैंड हो रहा है रुचा रुचा, रुचा। इसको ढंग से लैंड करवाना पड़ेगा तो आप देख सकते हो बढ़िया सी लैंडिंग हो चुकी है हमारे हेलीकॉप्टर स्टैंड में अरे फ्रैंकलिन ये घर तो बहुत अच्छा है अरे थैंक यू अंकल ये तो बहुत ही ज्यादा बूटी भी ये तो सही में तो पर मैंने टोटल खर्च कर दिए 50 मिलियन डॉलर्स, जो की हमारा सारा का सारा बजट बचा था और आप देख सकते हो ये कितना खतरनाक है, तो है।, तो है यहाँ पर बढ़िया बढ़िया चेयर है और वो भी अम्बरेला के साथ यहाँ पर बैठ के फुल कर सकते हो आप देख सकते हो तो, पूरा पार्टी करने का हमने एरिया यहाँ पर बना रखा है वो भी की मम्मी पापा साथ में इसलिए कोई पार्टी करने के लिए हमने बुलाया नहीं पर जैसे ये जाएंगे जापान हम करेंगे यहाँ पर बहुत खतरनाक पार्टी यहाँ पर है। और ये स्विमिंग पूल भी गर्म गरम पानी में मजा तो आता है पार्क में बैठो बूढ़े अंकल आंटी की तरह और मजे करो और आप देख सकते हो इस पूरे आइलैंड के चारों तरफ पार्टी करने के एरिया है जहाँ पर हर जगह बीच है और वहाँ पर पार्टी करने का एरिया है तो ये सब तो हो गया आइलैंड के बाहर का अब हम जाने

हेलीकॉप्टर स्टैंड है मेरे पास पैसे खत्म हो गए वरना मैं एक और हेलीकॉप्टर यहाँ पर रखने वाला था और वो हमारी जानना पर से कमेंट सिर्फ कमेंट में मैं इसका आंसर दे सकता हूँ क्योंकि ये बहुत ही बड़ा सीक्रेट है अब चलते अपन ऊपर वाले फ्लोर पर देखते हैं ऊपर वाले फ्लोर पर क्या है सबसे पहले एक और पार्टी करने का एरिया यहाँ पर बैठे टीवी देख सकते हैं जब भी है यहाँ पर और गाइस अंदर जाएंगे

200 मिलियन डॉलर्स वो भी सिर्फ 20 मिनट्स में तो गाइस सर आज की वीडियो से भी अगर आपको आज वीडियो तो लाइक कर देना चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना पता नहीं इसलिए वीडियो फटाफट से कमेंट करके बता दो और गाइस सर और डिस्कॉर्ड डिस्क्रिप्शन में वहां पे जाके ज्वाइन और फॉलो करना और हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए बाय-बाय